गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू माई चैनल एन सी आर टी एक्सप्लोर सो हेयर वी आर स्टार्टेड नाउ किंगडम प्रोटेस्टा हमने लास्ट टाइम जो है कर लिया था किंगडम मोनरा तो आज हम करने वाले हैं आपके चैप्टर सेकेंड का किंगडम प्रोटेस्टा तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि किंगडम प्रोटेस्टा में कौन से मेंबर्स को प्लेस करवाया गया था तो किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर जितने भी योकियोर्ट्स हैं योकोर्ट्स क्या होता है भाई जिनके अंदर क्या होंगे सेल के अंदर मैम्बरिन बाउंड ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होंगी उसे हम योकोर्ट्स बोलते हैं तो जिन भी ऑर्गेनाइजम के सेल के अंदर मैम्बरिन बाउंड ऑर्गेनली प्रेजेंट है उनको किस में डाल दिया किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर तो सारे के सारे वो क्या थे सिंगल सेल एक ही सेल से जो मिल बने हुए थे तो किंगडम प्रोटेस्टा में किसको प्लेस करवाया गया जितने भी सिंगल सेल योकोरोट्स थे सबको किंगडम प्रोटेस्टा में प्लेस करवा दिया गया था अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर ही क्योंकि वो योकरियोट्स हैं क्योंकि इनके अंदर जो मेंबर्स हैं वो कैसे हैं योकर्योट्स हैं मतलब उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली प्रेजेंट हैं तो वो क्या करेंगे एक उनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा हमने क्या पढ़ा था मोनरा के अंदर उनके अंदर क्या होता है वो प्रोकरोट्स थे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली अपसेंट थी तो न्यूक्लियस वहाँ भी अबसेंट था लेकिन यहाँ पर क्या है न्यूक्लियस प्रेजेंट है अब आगे हम बात करते हैं कि एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली वो भी यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी अब उसके बाद जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है पांच ग्रुप्स के अंदर फर्स्ट क्राइजोफाइट्स है सेकंड डाइनोफ्लैगलेट्स है थर्ड यूग्लिनॉइड्स है फोर्थ स्लाइम मर्ड्स और फिफ्थ है प्रोटोजोन्स ठीक है तो किंगडम प्रोटिस्टा को फर्दर डिवाइड किया गया पांच ग्रुप के अंदर कौन कौन से हैं फर्स्ट क्राइजोफाइट्स सेकेंड डाइनोफ्लैगलेट्स थर्ड ए फोर्थ स्लाइम मर्ड्स और फिफ्थ प्रोटोजोन्स अब आप सोचोगे कि हम इन मेम्बर्स को कैसे लर्न करें मैम हमसे तो लर्न ही नहीं होता तो अब उसके लिए मैं आपके लिए एक ट्रिक लेके आई हूँ अब कैसे लर्न कर सकते हो किंगडम प्रोटेस्टा के सारे मेंबर्स को तो आप कैसे लर्न करोगे प्रोटिस्टा में जो यानी कि डायन है डायनो है वो क्या करती रहती है रोती रहती है क्योंकि उसके पास युगलिना के क्योंकि उसको क्या करना होता है क्योंकि उसको युगलिना के साथ पानी पीना है तो आप उसको कैसे लर्न करोगे कि आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है कि जो प्रोटिस्टा है प्रोटिस्टा में जो डायन है डायन क्या करती रहती है क्राई करती रहती है क्यों करती रहती है क्योंकि उसे युगलिना के साथ पानी पीना है भाई इसलिए वो रोती रहती है ठीक है एक डायन है जो कि रोती रहती है क्यों रोती रहती है क्योंकि उसे युगलिना के साथ साथ यानी कि एस और पानी पीना है तो अब आप कैसे बनाओगे यहाँ पर कि डायन है डायन से डायनोफ्लैगलेट्स ठीक है रोती रहती है क्राई क्राइजोफाइट्स हो गया ठीक है उसके बाद यूगलिना के साथ तो युगलिनॉइड्स और क्या करना है युगलिना के साथ साथ एस एसलाइमल्ट और पानी पीना है प्रोटोजोन्स तो आप ये याद रख सकते हो इसके मेंबर्स अब आपको याद हो गए होंगे आई होप सिर्फ आपको एक लाइन याद करनी होगी कि प्रोटिस्टा के में जो डायन है उसको वो रोती रहती है क्राई करती रहती है क्योंकि उसे युगलिना के साथ पानी पीना है तो आपको आई होप याद हो गए होंगे आपकी किंगडम प्रोटेस्टा के मेंबर्स कौन कौन से हैं क्राइजोफाइट डाइनोफ्लैक्लेट यूग्नोइड्स लाइमर्स एंड फोटोजान्स अब हम सबसे पहले बात करेंगे क्राइजोफाइट्स की तो अब क्राइजोफाइट्स के भी कुछ फीचर्स को मैं आपको ट्रिक्स के तौर पर बताऊँगी ट्रिक्स से आप लर्न कर सकते हो आपको हमेशा याद देंगे देखो इसमें क्या है क्राइजोफाइट्स सबसे पहले तो क्राइजोफाइट्स आ रहा है क्राई वो रो रहे हैं रो रो क्यों रहे हैं क्योंकि इनसे इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करवाया जाता है ना कि ये रोते ही रहते हैं अब जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो ऑफकोर्स इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा इसलिए क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस करते रहते हैं अभी रोते क्यों हैं क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करवाया जाता है अभी इस पॉइंट से आप याद रखोगे कि क्राइजोफाइट्स के जो मेंबर हैं वो कौन से होंगे एक है डायटम और दूसरा होता है यहाँ पर डाई जिसको हम गोल्डन एल्गी बोलते हैं ठीक है तो डाएटम को ना यानी कि ओशियन का प्रोड्यूसर कहा जाता है चीफ प्रोड्यूसर क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या करता है फ़ोटो करता है ठीक है क्राइज़ोफाइट्स है क्राइज़ोफाइट्स के मेम्बर क्या हैं डाएटम और डैसमिट्स डा डाइटम को क्या कहा जाता है चीफ प्रोड्यूसर अब आप बता सकते हो चीफ प्रोड्यूसर क्यों कहा जाता है मैंने कहा ना कि क्राइजोफाइट्स इतना रोते रहते हैं इतना रोते रहते हैं क्योंकि उनसे क्या करवाया जाता है भाई इतना ज़्यादा फोटो करवाया जाता है तो अब आप फर्स्ट आप बताओगे कि क्राइजोफाइट्स यानी कि सी से याद रखोगे इनके अंदर क्लोरोफिल है तो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है ठीक है और इसी वजह से डायटम्स को क्या कहा जाता है चीफ प्रोड्यूसर्स कहा जाता है ओशियन का उसके बाद आपको यहाँ से साउंड आ रहा है फाइट्स तो यहाँ पर आप बता सकते हो आप इसको याद रख सकते हो पी से प्लैंकटोन होते हैं ये प्लैंकटोनिक नेचर के होते हैं मतलब क्या कि इनके पास लोको मोशन के लिए चलने के लिए फिरने के लिए अपने हाथ पैर नहीं होते जहाँ भी पानी का बहाव होगा ना ये वहीं पर चले जाते हैं ठीक है पानी के साथ ये फ्लोट करते हुए चले जाते हैं तो ये क्या करते हैं पानी के साथ जहाँ भी पानी की डायरेक्शन होगी जहाँ भी पानी फ्लो करेगा उसी के साथ साथ ये फ्लो करते हुए चले जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं प्लैंकटोन नेचर के होते हैं उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एस यहाँ पर जो आपको एस दिख रहा है ना एस से आप याद रखना है कि जो इसकी वोल होती है ना वो सिलिका से मिलके बनी हुई होती है देखो क्राइजोफाइट्स में से सी में आप याद रखोगे कि क्लोरोफिल प्रेजेंट है पी से आप याद रखोगे ब्लैंकटोनिक नेचर के हैं एस से आप याद रखोगे कि इनकी जो सेल वोल है उसके अंदर क्या होता है सिलिका प्रेजेंट होता है ठीक है ये कैसे बने होते हैं ऐसे ऐसे जैसे कि एक सोप बॉक्स होता है यानी कि एक सोप का बॉक्स होगा या फिर आप एक जूते का बॉक्स बना लो ठीक है कुछ इस तरह से होंगे और यहाँ पर डाईटम्स जो है वो पड़े रहते हैं ठीक है यहाँ पर क्या होंगे डाएटम्स पड़े रहते हैं अगर इसके ऊपर आप चेयर भी रख दोगे ना तब भी ये डाइटम जो होगा वो टूटेगा नहीं ब्रेक नहीं होगा ठीक है क्यों क्योंकि ये सिलिका से मिलकर बने होते हैं जो इसकी सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है सिलिका से मिलकर बनी होती है तो आप कह सकते हो कि जो इनकी वॉल है वो किससे एम्बेडेड होती है भाई सिलिका से होती है जो कि इंडस्ट्रक्टिबल है जिसको कोई तोड़ ही नहीं सकता उसके बाद ये जो है कैसे फिटेड होते हैं अभी आपको बताया ना कि ये जो फिट कैसे होते हैं आपको बताया कि फिट कैसे होते हैं एक सोप बॉक्स की तरफ बता दो या फिर एक जैसे जूते का बॉक्स होता है उसकी तरह ये जो सलवोल्स है वो फिट होती है इनके बीच में डाइटम्स पड़ा रहता है फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डाईटमियस अर्थ क्या होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमेशा जो है इस इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं तो जब क्या होते हैं डाईटम्स जो होते हैं लार्ज अमाउंट में बहुत सारे डाइटम्स अगर पड़े रहते हैं ठीक है जिनको बहुत से डाइटम्स होते हैं जिनको क्या करते हैं बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म आकर नहीं खाते तो वो डाइटम मरने के बाद क्या करते हैं समुद्र के नीचे जमने लग जाते हैं सी के नीचे क्या हो जाएंगे जमने लग जाएंगे वहाँ पर उनकी सेल वोल्ड डिपॉजिट होने लग जाती है तो उसी को ही हम बोलते हैं डाई अर्थ उसे क्या कहा जाता है डाई अर्थ ठीक है तो दस डाईटम हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वोल्ड डिपोजिट इन देयर हैबिटेट और इसी ये जो एक्यूमनेशन है ना वो बहुत बहुत टाइम तक पड़ी रहती है और इसी को ही हम क्या बोलते हैं अर्थ और मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि डायटम को क्या कहा जाता है चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन कहा जाता है अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डाइनो की ठीक है तो अब यहाँ पर किंगडम प्रोटेस्टा का जो सेकेंड मेंबर है उसके बारे में बात कर रहे हैं वो कौन सा है हमारा वो है हमारा डायनो फ्लैगलेट्स हम बात करेंगे डायनो फ्लैगलेट्स की तो अब ये डायनो फ्लैगलेट्स कहाँ पर पाई जाती है भाई ये पाई जाती है मैराइन समुद्र के पानी में ठीक है मैराइन में पाई जाती है मैराइन वाटर के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी ठीक है ये फोटोसिंथेटिक भी होती है ये भी अपना खाना बना सकती है फोटो नेचर की होती है उसके बाद ये जो डायन है ना आपको याद रखना है डायनोफ्लैगलेट्स ये डायन है अलग है। अलग कलर के पिगमेंट्स लेके घूमती है ये ठीक है तो ये जैसे भी कलर के इसके पास पिगमेंट होंगे वैसे ही कलर की ये अपीयर होगी तो दे ये अपीयर येल्लो ग्रीन ब्राउन रेड ब्लू ये किसी भी तरह से अपीयर हो सकती है डिपेंड करता है कि इसके पास कौन सा पिगमेंट है ठीक है तो ये अलग अलग कलर्स के हो सकती है वो डिपेंड करता है कि इसके अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है तो इसके अंदर कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं है? येल्लो ग्रीन ब्राउन रेड और ब्लू डिपेंड करता है कि कौन सा पिगमेंट इनके सेल के अंदर प्रेजेंट है अब जैसे कि आपने देखा होगा कि जो सैनिक होते हैं उनके बाहर एक कवच होता है ऐसे पैन के रखते हैं वो अपने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए पैन के रखते हैं ना वैसे ही इनके भी यहाँ इनकी जो सेल वोल होती है ना उनके वो कैसी होती है अ सेल्यूलोज की प्लेट्स बनी होती हैं ये देखो देखने को मिल रही है ना आपको ऐसे ये सेल्युलज की प्लेट्स बनी होती हैं ठीक है और इनके लॉन्गीट्यूडनल सेक्शन से भी एक फ्लैजिला निकल रहा होता है और एक इनके ट्रांसवर्स सेक्शन से भी फ्लैजिला निकला होता है तो आप बताओगे कि जो इनकी सेल वॉल है उसमें क्या होता है सेलुलोज की प्लेट्स होती है उनके आउटर सरफेस पर हमने देख ली कैसी होती है फिर इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं भाई एक ऊपर से निकला होगा लॉन्गेटूडनल सेक्शन से एक ट्रांसवर्स सेक्शन से निकला होता है जिसकी वजह स्पाइडर से स्पाइडरमैन की मूवमेंट करेंगे ऊपर से घूमेंगे गोल गोल घूमती ही रहती हैं ठीक है क्योंकि दो फ्लैजिला हो गए तो दो फ्लैजिला होते हैं एक लॉन्गेट्यूडनल लाई करता है दूसरा ट्रांसवर्सली लाई करता है फिर उसके बाद हम याद कर फिर ये जो है इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं आपके फिर जो रेड कलर की डायन है उसके पास रेड कलर के पिगमेंट होंगे तो जहां भी ये समुद्र में पड़ी होगी ना तो ये क्या कर देती है उस जगह को रेड बना देती है उस समुद्र को क्या कर देती है रेड टाइड रेड लहरें बना देती है और इसका नाम क्या है इस रेड डायन का इसका नाम होता है गोनी येलुक्स ठीक है इसका नाम क्या है गोनी ये गोनी एलुक्स ठीक है आप इसको याद कैसे कर सकते हो कि डिसिप्लिन इज़ गुड इसको याद कैसे रख सकते हो कि डिसिप्लिन इज़ गुड तो यहाँ पर डिसिप्लिन इज़ गुड का मतलब डिसिप्लिन क्या है यहाँ पर डी से डाइनोफ्लैगलेट इज़ गुड और गुड का मतलब जी से आप आ जाते हैं गोनी गैलुक्स तो यानी कि डायनो फ्लैगलेट्स का एग्जाम्पल क्या है गोनी गैलुक्स ठीक है उसके बाद जो ये टॉक्सिन और कहीं बार ये जो डायन है ना यानी कि डायनो फ्लैगलेट्स है वो क्या करते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में टॉक्सिन को रिलीज कर देते हैं जिससे कि जितने भी मैराइन एनिमल्स होंगे ना जो भी पानी में रहने वाले यानी कि समुद्र में रहने वाले सी में रहने वाले एनिमल्स होंगे ना वो मरने लग जाते हैं जैसे कि फिशेज की बात करते हैं हम ठीक है तो अब आपका डायनो फ्लैगलेट्स भी क्लियर हो गया अब हम बात करते हैं यूग्लिनॉइड्स की तो अब आपका है थर्ड जो है वो कौन सा मेंबर है यूगलीनॉइड्स अब यूगलीइड्स को आप ट्रिक से याद कर सकते हो कि जो यूगलीनोइड्स है ना वो फ्रेश वाटर पीते पीते फ्लेक्सिबल हो जाते हैं मतलब ये फ्रेश वाटर में रहते हैं इससे आपका कहीं हो गया फिर ये फ्लेक्सिबल हो जाते हैं मतलब आपको कैसे याद रखना है कि जो यूगलीनॉइड्स है ना वो फ्रेश वाटर को पीते पीते फ्लेक्सिबल हो जाते हैं और क्योंकि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं तो इसीलिए भगवान जी ने इनके एक फ्लैजिला को कट कर दिया अब ये पॉइंट मैं आपको रिलेट करवाऊंगी इनके सारे फीचर्स के साथ ठीक है तो आपने देखा कि ये फ्रेश वाटर को पीते हैं तो यानी कि फ्रेश वाटर में रहते हैं जो पानी बहुत टाइम तक रुका रहता है ना उसमें ये आपको देखने को मिलेंगे उसके बाद क्योंकि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं ठीक है तो इनकी एक फ्लैजिला को कट कर दिया गया है मतलब क्या है इनके पास दो फ्लैजिला है एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा ठीक है और इनके पास क्या होगा और ये पानी पीते पीते भाई क्या हो गए हैं फ्लेक्सिबल हो गए हैं तो क्योंकि इनके बाहर क्या होती है सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती इनके बाहर क्या होती है एक लेयर प्रेजेंट होती है ठीक है जिसे हम पैलिकल बोलते हैं जो प्रोटीन से मिलके बनी होती है जिसकी वजह से ये फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं तो आप याद रख सकते हो कि फ्रेश वाटर पीते पते ये कैसे हो जाते हैं फ्लैक्सीबल हो जाते हैं क्यों हो जाते हैं क्योंकि जो इनकी सेल वॉल है वो एक प्रोटीन से मिलकर बनी होती है जिसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं फ्लैक्सीबल हो जाते हैं दो पॉइंट्स लर्न हो गई आपको कि क्योंकि इनके अंदर क्या सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती इंस्टीड ऑफ सेलवोल इन के अंदर क्या होती है एक प्रोटीन रिच लेयर होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं पैलिकल जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं फ्लैक्सीबल हो जाते हैं उसके बाद हमने बताया क्योंकि दूसरे ऑर्गेनाइजम को भी खाते हैं भैया कैसे खाते हैं ये होते हैं मिक्जोट्रॉपिक नेचर के ठीक है मिक्जोट्रॉपिक का मतलब क्या है यहाँ पर जब तक इनको सनलाइट मिलेगी तब तक तो ये अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेते हैं तब तक तो ये फोटोसिंथेटिक है लेकिन जैसे ही यहाँ पर सनलाइट चली जाती है ना तो ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं भाई अब तो मुझे तुझे, तुझे खाना है मेरे को भूख लगी है ठीक है तो ये क्या होते हैं मिक्जोट्रॉपिक नेचर के होते हैं तो उस क्योंकि दूसरों को खाते हैं तो इसी वजह से इनके एक फ्लैजिला को कट कर दिया गया तो आप याद रखोगे दो फ्लैजिला हैं एक कैसा है लॉन्ग है एक कैसा है शॉर्ट है तो फ़ोटोसिंथिस करेंगे ये अगर सनलाइट प्रेजेंट होगी तो फ़ोटोसिंथिस की हेल्प से अपना खाना प्रिपेयर कर लेंगे अगर फोटोसिथिसिस नहीं है भाई तो ये कैसे करेंगे हिट्रोड्रॉप्स हो जाएंगे दूसरे को प्रीडेट कर करके खाने लग जाएंगे ठीक है अब हम बात करते हैं और इसका अगर हम एग्जाम्पल याद करते हैं युगली का तो वो तो इसी से रिलेट कर रहा है युगलीना ठीक है तो आपका ये क्लियर हो गया आपको आई होप समझ भी आ गया होगा अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है ना तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो ठीक है उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्लाइम मर्ल्ड्स की फोर्थ मेम्बर किंगडम प्रोटिक्सटा का वो कौन सा है भाई स्लाइम मर्ल्स है अब हम बात करते हैं स्लाइम मर्ल्स की तो स्लाइम मर्ल्ड्स के ऐसे ही समझ आ रहा है कि ये तो सेप्रोफिटिक नेचर के हैं सेप्रोफिटिक का मतलब क्या है यहाँ पर कि ये तो क्या होगा डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं ठीक है डेड ऑर्गेनिक मैटर क्या कैसे खाते हैं अब आपको स्लाइम मल्ट के ऐसे पता लग गया भैई ये सेप्रोफिटिक नेचर के हैं ये तो डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं मतलब क्या पतियों को खा रहे हैं ये ठीक है तो अब ये कैसे खा रहे हैं और कैसे कैसे बढ़ते हैं अब है? आप खाना खाते हो तो आप ग्रो करते हो ना तो वैसे ही ये भी ग्रो करेंगे तो जैसे ही इन ये पतियाँ यानी कि ये क्या होते हैं पत्तियों को खाते हैं और ये क्या करते हैं फैल जाते हैं येलो येलो कलर के होते हैं ये फैलते चले जाते हैं पूरे सरफेस पर ऐसे यानी कि पूरे सरफेस पर पूरे ऐसे फैल जाएंगे अगर आप यानी कि इसकी इमेज को सर्च करते हो तो आपको देखने को मिलेगा ये पूरे सरफेस पर ऐसे फैल जाते हैं खा खा कर ना येलो येल्लो येलो येलो कलर के होते हैं और ये पूरे सरफेस पर फैल जाते हैं तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर इनकी बॉडी कैसी होती है जो स्लाइम मर्ड्स हैं ठीक है इनकी बॉडी होती है डिप्लॉइड टू एन होती है इनकी बॉडी कैसी होती है टू एन होती है तो अब इन्होंने क्या किया पतियों को खाया ठीक है पतियों को खाएंगे इनके अंदर क्या हो जाता है माइटोसिस हो जाता है और आपको पता है माइटोसिस होने से एक जो न्यूक्लियस है उसमें डिवीज़न होगी और ये क्या कर देंगे टू न्यूक्लियस फॉर्म कर देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा यानी कि माइटोसिस हो जाता है माइटोसिस होंगे तो दो न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएंगे फिर से ये दोबारा पतियाँ खाएंगे साइट इनका जो साइटोप्लाजम है ना वो डिवाइड नहीं होता साइटोप्लाजम जो है वो बढ़ता ही रहता है ठीक है लेकिन जो डिवाइड होता है इनका न्यूक्लियस डिवाइड होता रहता है उसके अंदर क्या होती है माइटोसिस होती रहती है एक माइटोसिस होगी तो दो न्यूक्लियस पड़स जाएंगे फिर से माइटोसिस होगी तो दो न्यूक्लियस प्रोड्यूस हो जाएंगे ठीक है ऐसे करते करते इनके अंदर जो है वो क्या होती रहती है माइटोसिस होती रहती है साइटोप्लाजम यहाँ पर बढ़ता रहेगा ठीक है न्यूक्लियस डिवाइड होते रहेंगे इस कंडीशन को हम मल्टी न्यूक्ट डिवीजन बोलते हैं और इसी को ही क्या कहा जाता है प्लाज्मोडियम कहा जाता है इसी को मल्टी न्यूक्लेटेड स्टेज को प्लाज्मोडियम कहा जाता है अब एक टाइम ऐसा आता है अब बहुत खाली इन्होंने पतियाँ अब पतियाँ ही खत्म हो गई एक टाइम ऐसा आता है इनको लगता है अब तो हम मरने वाले हैं जब इनको लगता है ना कि हम मरने वाले हैं तो तभी ये क्या करने लग जाते हैं ये रिप्रोडक्शन करने लग जाते हैं ठीक है अंडर ए अन फेवरेबल कंडीशन ये रिप्रोड्यूस करने लग जाते हैं और रिप्रोड्यूस करके ये क्या करते हैं अपने शरीर पर फ्रूटिंग बॉडीज़ को अराइज कर लेते हैं ठीक है तो अब इनकी बॉडी क्या 2N है टू एन एम और इन्होंने क्या करा अपनी बॉडी पर क्या कर ली फ्रूटिंग बॉडी फ्रूटिंग बॉडीज अराइज कर लिए तो अब इनकी जो बॉडी थी वो न्यूक्लियस वो कहते हैं टू एन थी ठीक है अब इनके अंदर म्योसिज होगी और म्योसिज होने से चार स्पोर्ट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे ठीक है एक म्योसिज होने से क्या हो जाते हैं चार स्पोर्ट्स प्रोड्यूस आएंगे सारे क्या होंगे एन होंगे ठीक है अभी जितने भी स्पोर्ट्स यहाँ पर प्रोड्यूस हुए हैं ना उनके अंदर क्या होती है ट्रू वोल प्रेजेंट होती है और वो सर्वाइव कर सकते हैं बहुत बहुत टाइम तक और ये क्या होते हैं एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं कोई भी इन स्पोर को जो है वो तोड़ नहीं सकता उसके बाद कोई भी एसिड इनको तोड़ नहीं सकता उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्पोर्ट्स ये जैसे कैसे डिस्पर्स होते हैं बाय एयर करंट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट उसके बाद प्रोटोजोआंस की तो अब सबसे लास्ट हम बात कर रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा के सबसे लास्ट मेंबर वो हैं प्रोटोजोआंस अब प्रोटोजोआंस के अंदर हम बात करेंगे क्या क्या प्रेजेंट होता है क्या होते हैं ये प्रोटोजान्स ये होते हैं हिट्रोट्रॉप्स ठीक है जो पैरासाइट नेचर के होते हैं जो दूसरों पर रहना पसंद करते हैं दूसरों पर रहकर अपना खाना पसंद करते हैं ठीक है तो अब आपको ये सबसे फर्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि एमोबोयड की ठीक एम है तो एमोबोएड की अगर हम बात करेंगे तो एम एमोबोयड कैसा नहीं सबसे फर्स्ट जो मेंबर होता है प्रोटोजोन्स का वो है हैबिट एमोबोइड सॉरी और जो एमोबोइड है वो कहाँ रहना प्रेफर करता है वो रहना प्रेफर करता है फ्रेश सी में ठीक है मॉइस्ट सोइल में और ये क्या करता है देखो ये होगा जैसे कि यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि आपको दिखाई नहीं देगा इस कलर में तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो होगा ना अमीबा है जैसे इसको खाना दिखाना तो ये अपने सीडोपोडियो जिसको हम फोल्स फिट बोलते हैं इसको फैला लेगा और इस फूड को कैप्चर कर लेगा यहाँ इनके होते हैं फूड वेक्यूअल और इस खाने को फूड वेक्यूअल में ले आते हैं जहाँ पर इनका खाना डाइजेस्ट होता है इसी फूड वेक्यूल में इनका खाना डाइजेस्ट होता है और यहीं से जितना भी वेस्ट होगा ना इनके बॉडी का वो बाहर निकल जाता है ठीक है तो अगर हम बात करते हैं इन्हीं एमेबोइड की कहाँ रहना प्रेफर करते हैं फ्रेश सी में मोइस्ट सोइल में गिली मिट्टी में ये मूव करते रहते हैं और अपने प्रे को ये अपने शिकार को कैप्चर कर लेते हैं किसकी हेल्प से अपनी सीडोपोडिया की हेल्प से जो फोल्स फिट ये फैलाते हैं उन्हीं की हेल्प से ये या अपने यानी कि किस को कैप्चर कर लेते हैं अपने शिकार को ये कैप्चर कर लेते हैं ठीक है तो अब अगर हम इनके याद करते हैं अगर इनके एग्जांपल्स आपको याद करें तो आप वो कैसे याद रख सकते हो तो आपको याद रखना है कि जो अमीबा होता है वो एक्सीलेंट है अमीबा आर एक्सीलेंट तो ए से अमीबा यानी कि एक मेंबर तो इसके अमीबा ही हो गए एक एग्जांपल तो एम का अमीबा ही हो गया और एक्सीलेंट ई e से आप याद रख सकते हो कि एंटा अमीबा ठीक है तो यानी कि एम के जो एग्ज़ाम्पल हैं वो आपको अगर लर्न करने हो तो आप कैसे याद रख सकते हो कि अमीबा आर एक्सीलेंट अमीबा एम अम, तो यहाँ पर आपने कर लिया फर्स्ट तो आपको याद हो ही गया कि अमीबा है और एक्सीलेंट के ई से आप याद रख सकते हो एंटो अमीबा को उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रोटोजोन्स के सेकेंड मेंबर के बारे में तो वो कौन सा है फ्लैजलेटेड प्रोटोजानस ठीक है फ्लैजलेटेड प्रोटोजानस है जो क्या होते हैं फ्री लिविंग होते हैं या तो वो फ्रीली रहना प्रेफर करते हैं या फिर वो दूसरे की बॉडी पर रहना प्रेफर करते हैं और इन प्रोटोजुआन से एक डिसीज हो जाती है ह्यूमन बींग के अंदर जिसको बोलते हैं स्लिपिंग सिकनेस वो कौन करता है ट्राई सोमा तो आप लिख सकते हो कि फ्लाई जो है वो ट्राई कर रही है उड़ने की तो फ्लाई यानी कि ऐसे फ्लैजलेटेड के एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर ट्राई पैनो सोमा उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि इसी प्रोटोजोन्स के थर्ड मेंबर वो कौन सा है सिलियेटेड प्रोटोजोआ कि पानी में रहना प्रेफर करते हैं एक्टिवली मूविंग होते हैं और इनकी बॉडी पर ऐसे थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होते हैं जिसकी हेल्प से ये मूव कर पाते हैं ठीक है उसके बाद अगर कोई भी फूड दिखता है तो ये सीलिया की हेल्प से धकेल धकेल कर अपनी यानी कि गलेट कैविटी में ले जाते हैं ठीक है तो और इसके एग्जाम्पल कौन से होंगे पैरामीशियम तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर कवर होता है हमने जो है आज कर लिया किंगडम प्रोटिस्टा अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो ठीक है उसके बाद आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कमेंट ज़रूर करें थैंक यू